हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बढ़िया ही रहने चाहिए। अपनी आज की वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं बहुत ज़्यादा लेटेस्ट और बहुत ज़्यादा बढ़िया न्यूज़ को। फॉर एग्जांपल, करीम नाइटी ने एक पोस्ट करा है एंड ध्रुव राठी ने एलविस यादव को रोस्ट करा है, और उसके साथ साथ प्लेग्राउंड का रिजल्ट भी जो है आपको लाइव देखने को मिल रहा है, और हमें यह भी पता लग रहा है ओवरऑल कि प्लेग्राउंड का जो विनर है वो कौन है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं करीम नाइटी के बारे में। करीम नाइटी ने हमें भी एक पोस्ट करा था जिसमें उन्होंने लिखा था राइट द लेटर बिटवीन ए एंड एस, एंड बंदे उसको कंपेयर कर रहे हैं एलविस यादव से। मतलब बंदे सोच रहे हैं कि एलविस यादव का रोस्ट आने वाला है, कमेंट सेक्शन में एलविस यादव भरा हुआ है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, एलविस यादव, फुकरा इंसान और करीम नाइटी, इन तीनों का भाई घमासान युद्ध चल रहा है प्लेग्राउंड में। आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, प्लेग्राउंड एक शो है जो कि अमेजोन मिनी टीवी पे आता है, और उस पर भाई सबसे नंबर वन पे तो एलविस यादव चल रहे हैं, फिर करीम नाइटी, फिर फुकरा इंसान। और पिछले वीक की बात अगर हम करें तो पिछले वीक में एलविस यादव जीत गए थे, मतलब एलविस यादव की जो टीम का बंदा है वो जीत गया था। अगर अभिनव शुक्ला जो बंदा है जो कि करीम नाइटी का है, वो वाले वोट अगर हम अहमद में मिला दें तो तब जाके अहमद जो है चिराग की बराबरी कर लेंगे। ओके, एंड उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, कल जो है इनका फाइनल है, तो भाई सब लोग यहाँ पर अपने वोट मांगने में लगे पड़े हैं, जो कि एलविस यादव हो चाहे करीम नाइटी हो, सबके सब लगे हुए हैं कि भाई हमारे जो टीम का प्लेयर है वो जीत जाए और हमारे पास एक और ट्रॉफी आ जाए। और इस जो प्लेग्राउंड है इस शो की मुझे सबसे ज़्यादा मस्त बात, सबसे ज़्यादा अच्छी बात जो लगती है वो ये है कि भाई इसमें वोटिंग आपको लाइव देखने को मिलती है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको लाइव वोटिंग दिखेगी, आपका एक एक वोट काउंट होगा। और मेन थिंग ये रहती है कि आप जो है एक दिन में एक बार ही वोट कर सकते हैं। ओके, एंड उसके आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। ध्रुव राठी ने कल एक वीडियो अपलोड कर दी अपने यूट्यूब, और उस वीडियो में उन्होंने इनडायरेक्टली एलविस यादव को रोस्ट करा था। सबसे पहले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ। यूट्यूबर्स का ही एग्जांपल लेकर देख लो, अगर वहाँ एक यूट्यूबर है जो रोज माँ बहन की गालियाँ देता है, बेटिंग गैम्बलिंग एप्स प्रमोट करता है, लेकिन अपने पीछे जय श्री राम लिख कर रखता है। तो जैसा कि भाइयों आप लोगों ने देखा कि ध्रुव राठी ने इनडायरेक्टली एलविस यादव को बोला है, क्योंकि यार एलविस यादव से उनकी पहले भी कंट्रोवर्सी चल रही है, और एलविस यहाँ पे गैम्बलिंग ऐप वगैरह जो मतलब प्रमोशन है वो एक्सेप्ट करते हैं, और उन्होंने जय श्री राम भी अपनी प्रोफाइल पर लिख रखा है। देखो भाइयों, आपका क्या कहना है इस बारे में, आपको क्या लगता है प्लेग्राउंड में कौन जीतेगा, जरूर अपनी राय कमेंट करके बताएं। जो भी न्यूज़ थी, जो भी चीज़ थी मैंने आपको आने वाले लेटेस्ट अपडेट के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।